बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। अक्सर मानवियत और रूहानियत की जानिब तवज्जो रखने वाले मोमिनीन ये सवाल पूछते हैं कि हम रूहानी और मानवी तरक्की के लिए क्या करें, कौन सा अमल अंजाम दें, किस जिक्र को पढ़ें ताकि हमारी रूहानियत में तरक्की और कमाल आए। तो आज के इस वीडियो में हम मुख्तलिफ औलिया और उराफा के बयान करदा आमाल बयान करेंगे। उस्तादुल उरफा मुल्ला हुसैन कुलिये हमदानी फरमाते हैं कि तुम्हारी तमाम तर तवज्जो और कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम गुनाहों से दूरी इख्तियार करो, गुनाह अंजाम ना दो, और अगर इस कोशिश और मेहनत में कामयाब हो गए तो आखिरकार बुलंद और बाला रूहानी मकाम तक पहुंच जाओगे, और अगर खुदा न खास्ता किसी गुनाह के मुर्तकिब हुए तो फौरन इस्तगफार करना, दो रकत नमाज तौबा पढ़ना और नमाज के बाद 70 मरतबा इस्तगफार कहना, और उसके बाद अपना सर सजदे में रखकर अल्लाह की बारगाह से माफ़ी तलब करना। आरिफ़ कामिल शेख हसन अली इस्फहानी फरमाते हैं कि लोगों की मदद करने और उनकी मुश्किलात को हल करने में किसी किस्म की कोताही नहीं करना। जब ये बात उनके बेटे ने सुनी तो अपने वालिद से सवाल किया, अगर किसी की मदद करने या उसकी मुश्किल हल करने के साथ इंसान की आबरू खतरे में हो तो इंसान को क्या करना चाहिए? तो शेख हसन अली इस्फहानी ने जवाब दिया कि इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि इंसान अपनी इज्जत और आबरू अल्लाह की राह में खर्च कर दे। आरिफ वासिल फैज़ काशानी फरमाते हैं कि योमिया नमाजों को अव्वल वक्त और जमात के साथ अंजाम देना और बग़ैर किसी उज़्र के अव्वल वक्त और जमात को तर्क नहीं करना, क्योंकि अगर बग़ैर किसी उज़्र के अव्वल वक्त और जमात को तर्क करोगे तो तुम में और उस शख्स में जो जलालत और गुमराही के दलदल में गिरफ्तार है कोई फ़र्क नहीं। आरिफ कामिल सैयद अली काजी तबातबाई फरमाते हैं कि मोमिन पर नमाज शब लाजिम है, और मुझे ताज्जुब होता है उस शख्स पर जो चाहता है कि रूहानी कमाल और तरक्की तक पहुंचे लेकिन नमाज शब नहीं पढ़ता। हमने आज तक नहीं सुना कि कोई नमाज शब के बगैर मानवी और रूहानी तरक्की तक पहुंचा हो। और अल्लामा तबातबाई से फरमाते हैं कि बेटा, अगर दुनिया चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो, और अगर आखिरत चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो। बुजुर्ग आरिफ और वलीउल्लाह अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई फरमाते हैं कि हर दिन नींद से बेदार होते ही तुमने अपने साथ ये अहद करना है कि हर काम में तुमने अल्लाह की रजा को मद्देनजर रखना है, और किसी भी ऐसे काम को अंजाम नहीं देना जिसमें अल्लाह की रजा और उखरवी फायदा न हो, और इस हालत को रात तक बरकरार रखना है, और रात को सोने से पहले 5 मिनट पहले अपने दिन के पूरे आमाल को दोहराओ और उस पर एक नज़र दौड़ाओ। जिन कामों में तुमने अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखा है उन कामों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, लेकिन अगर अपने वादे पर पाबंद नहीं रहे तो फौरन अल्लाह की बारगाह से इस्तग़फ़ार करो। आरिफ वासिल और फ़कीह बुज़ुर्ग इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए इंसान को एक बेहतरीन रहनुमा और उस्ताद की ज़रूरत है, और हमारे लिए बेहतरीन रहनुमा और उस्ताद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो दीन के तमाम मआरिफ़ पर अहाता रखते हैं। लिहाजा अगर कोई अल्लाह तक पहुँचना चाहता है, रूहानी तरक्की हासिल करना चाहता है, तो बग़ैर किसी सवाल जवाब के और बग़ैर किसी तअल्लुल के उसके तमाम बताए हुए फरामीन पर अमल करना चाहिए। आरिफ वाला मकाम सैयद अहमद करबलाई फरमाते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो वास्ते फैज़ हैं, दायमन उनके साथ तवस्सुल की हालत में रहना, और हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि इंसान हमेशा बावजू रहे, और सोने से पहले और हर नमाज के बाद तस्बीह हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आयतुल कुर्सी की तिलावत करना।
शहीद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह मानवी तरक्की के लिए फरमाते हैं कि अपनी ज़बान को गीबत, चुगलखोरी, लगवियात वगैरह जैसे गुनाहों से पाक रखना और हर उस बात को सुनने से परहेज़ करना जिसमें इंसान के लिए दुनियावी या उखरवी फ़ायदा ना हो और इंसान मौत की याद को अपना नस्बुलैन बना ले और दिन में कम अज़ कम 20 मरतबा मौत को याद करे। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें इन दस्तूरात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।